अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी। आज आपकी मुलाकात कौम के हीरो से करवाएंगे। ये वो हीरोज़ हैं जो हर मौके पे सफ़े अव्वल पे पाए जाते हैं। मुहर्रम हो या आज़ादी का दिन, त्यौहार हो या कोई हादसा, ये नौजवान हमेशा सफ़े अव्वल में रह कर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिविल डिफेंस के नौजवानों की। सिविल डिफेंस एक वो इदारा है जो हर मौके पे अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। तो आज सिविल डिफेंस के बारे में आपको मालूमात देंगे, नौजवानों से बात करेंगे कि ये क्या क्या इनके काम होते हैं, इनके इख्तियारात क्या होते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, इनको कौन ऑन करता है। सिविल डिफेंस के हवाले से आपको सारी मालूमात आज उनके जो टीम है उनसे बातचीत करके आपको देते हैं। तो आए सिविल डिफेंस के नौजवानों से बात करते हैं और आपको उनके हवाले से मालूमात फराहम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सिविल डिफेंस के ओहदेदारान, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और सिविल डिफेंस के हवाले से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम और आपका रैंक? जावेद इकबाल, ग्रुप वार्डन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सादिकाबाद। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सिविल डिफेंस के जो नौजवान हैं ये किन किन मौक़ों पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं? देखें जी, मुख्तलिफ मौाक़े हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो रूटीन मैटर में आ जाती हैं, जैसे ये मुहर्रम ड्यूटी वाला है या ईद मिलादुन्नबी वाले जुलूस होते हैं, ये एक सेटल्ड प्रोग्राम होता है, इनमें सिविल डिफेंस के जवान जो हैं वो ड्यूटी अंजाम देते हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं जो एमरजेंसी में आती हैं, तो एमरजेंसी की किसी भी सूरत में जो है वो सिविल डिफेंस के जवान हर वक्त तैयार रहते हैं एमरजेंसी ड्यूटी के लिए। अच्छा सर, और ये सिविल डिफेंस के नौजवानों का एग्जैक्ट रोल क्या होता है, मतलब इनकी ड्यूटी किस टाइप की होती है? सिविल डिफेंस के जवानों का अगर रोल देखा जाए, पहले तो ये देखा जाए कि सिविल डिफेंस चीज़ क्या है। सिविल डिफेंस को अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाली ऐसी जमात, ऐसी तंजीम जो लोगों के जानों जानी माली नुकसान को अर्जी और समावी आफात की सूरत में जानी माली नुकसान को कम से कम करने की सूरत में उनकी मदद करती है। तो इस तरह मुख्तलिफ तदाबीर जो हैं वो की जाती हैं जिससे जो है वो लोगों को महफूज किया जा सके, अमन के ज़माने में भी और जंग के ज़माना में भी। इसी तरह किसी बड़ी एमरजेंसी की सूरत में भी मुख्तलिफ हफाजती तदाबीर अख्तियार करके उनके नुकसान को कम किया जा सकता है। अच्छा सर, जैसे कि हमारे पास बाकी फोर्सेज मौजूद होती हैं तो सिविल डिफेंस के पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं? देखें जी, जहाँ तक अख्तियारात की बात है तो ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के पास होते हैं। हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास जो है वो अख्तियारात आर्जी तौर पे हमें मौके की नौइयत से दिए जा सकते हैं, दिए जाते हैं, जिसमें जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मखसूस औकात में जो है वो अख्तियारात दिए जा सकते हैं जिनको सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हुए अमन अमान कायम रखती है। ठीक सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम और आपका रैंक? शफीक अहमद, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस सादिकाबाद। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जैसे सिविल डिफेंस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइवेट इसको कंसीडर किया जाएगा या गवर्नमेंट इसको ओन करती है? नहीं, ये गवर्नमेंट ही इसको ओन करती है। सिविल डिफेंस जो है ये एक हमारा अदारा है पूरे पंजाब में और इसकी तकरीबन हर शहर में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी है और डिस्ट्रिक्ट सतह पर इनके दफातर भी हैं। हमारे सी डी ओ साहब हैं वो ज़िला रहीम यारखा में बैठते हैं। हमारा जो काम है वो जो इंतज़ामिया है, जैसे ज़िले इंतज़ामिया है या महकमा पुलिस डिपार्टमेंट है, तो हम उनके हेल्पिंग हैंड बनते हैं कि जब जिस तरह ये मुहर्रम है, ईद मिलादुन्नबी है या कोई और इवेंट है बड़ा, उसमें फिर हम उनकी मदद करते हैं और उनके साथ ड्यूटी जो हमारे नौजवान हैं वॉलंटियर हैं बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी आज़ादी के ये ड्यूटी देते हैं। तो सर क्या हुकूमत जो अब ये जैसे जितने भी यहाँ पे नौजवान खड़े हैं सारे बरसरे रोज़गार है, अब डेली वेजेस पे भी काम करने वाले हैं, तो अब ये अपनी छुट्टी करके आए हैं, दिहाड़ी लग तोड़ के आते हैं क्योंकि कुछ इवेंट्स होते हैं जो ड्यूटी टाइम पे होते हैं, तो फिर हुकूमत क्या इनको कोई वेजेस वगैरह देती है, कोई तनख्वाह सिस्टम या कुछ वजीफा वगैरह इन नौजवानों का हुकूमती तरफ से मिलता है कि नहीं? इसमें पहले था कि कुछ ड्यूटी ऐसी होती थी जैसे रमज़ान बाजार है तो उसमें हमारे कुछ बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ड्यूटियाँ लगती थी तो उनको आज़ादियाँ मिलता था, लेकिन अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब अपनी मदद आपके तहत कुछ हम हैं, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन वजाह साहब हैं, कुछ और दोस्त अहबाब हैं, फिर हम उनसे कोई फंड इकट्ठा करके तो सारा सिलसिला चला रहे हैं और बच्चों के लिए खाने का भी हर इवेंट के बाद इंशाल्लाह ताला इंतज़ाम करते हैं, इनकी वर्दियों का भी इंतज़ाम होता है और इनकी जो दूसरी ज़रूरियात है उनका भी इंशाल्लाह ताला इंतज़ाम करते हैं हम खुद ही। सही सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम और आपका रैंक? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद, डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस सादिकाबाद।
अच्छा सर, आज के दिन मुहर्रम के दिन में आपके कितने नौजवानों ने ड्यूटियां दी हैं और इनकी ड्यूटी में क्या क्या शामिल था, आप वो काम बताएं, और इन कितने नौजवान मौजूद थे आज के दिन में, ये बताएं ज़रा। हाँ जी, आज के दिन कसरे रुबाब से शुरू हुआ है जुलूस, और हमारी स्ट्रेंथ 190 के करीब करीब थी जो यूनिफॉर्म में अपनी सर्विसेज दे रही थी, और एक एक जगह एक एक गली को कवर किया हुआ था हमारे जवानों ने। तो कसरे रुबाब से शुरू होके कसरे पंचतन पाक तक सारे रूट को कवर किया हुआ था जवानों ने। जी बिल्कुल, मैंने देख रहा था कि माशाल्लाह हर चौक पे थोड़े से कदम चले तो सिविल डिफेंस का जवान मौजूद था, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात थी कि बाकी फोर्सेस के साथ मिलके सिविल डिफेंस ने आज का अगर ये जो जुलूस था इसको पुरअमन तरीके से अमाम बारगाह तक पहुँचाया तो सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा किरदार था। जी सर, इसमें तकरीबन हर गली जो भी इस रूट के ऊपर है फतेहकटा से ले कर और मरकजी अमाम बारगाह था, जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पर कनाते लग जाती हैं, तो एक लड़का हमारा कनात के पीछे और एक कनात के ऊपर रूट के ऊपर हर गली के ऊपर होता है, फिर हर चौक में 8-8, 10-10 लड़कों की ड्यूटियाँ होती हैं। इसी तरह जुलूस जैसे जैसे आगे आते जाता है तो हमारे जो नौजवान हैं वो पीछे से आगे आते जाते हैं, तो इस तरह जिस तरह आगे जुलूस बढ़ता रहता है तो हमारे लड़कों की तादाद भी आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम और आपका रैंक? जी ज़ुल्फ़िकार अली अस्करी, डिप्टी डिवीजनल वार्डन एज ए सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन साथ का बात। ठीक सर, सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जो लोग सिविल डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि ये वॉलंटियर या हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करती है, तो अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हैं, कोई क्वालिफिकेशन यानी कि आपको कोई एज लिमिट चाहिए कुछ, इसका क्या प्रोसीजर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तंजीम के हवाले से पहले थोड़ी सी इस आपके सवाल में अगर थोड़ा सा जवाब वजाहत से दे दूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल सर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या इसकी डेफिनेशन क्या है। सिविल डिफेंस एक वर्ल्ड अदारा है, सिविल डिफेंस ये महकमा है बाकायदा एक, लेकिन ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में इसका हेडक्वार्टर होता है, तहसील में सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए कि खुदा न खास्ता अर्जी और समावी जो मामलात होते हैं उनमें सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्योंकि शहरियों में से होती है, लोगों के जानी और माली नुकसान को कम करने की लोगों को तरबियत भी देती हैं और उनकी मुआवनत भी करती हैं ताकि जानी और माली नुकसान कम हो। ये बाकायदा एक अदारा है, और मुसल्ला अफवाज के साथ जैसे आप जानते हैं कि मुसल्ला अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करती है, ये जो सिविल डिफेंस का अदारा है ये सिविल एरिए में काम करते हुए लोगों के जानी और माली नुकसान को कम करता है, और ये इसको आर्मी के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है कि महकमा शहरी दफा जो है ये जंग में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। सर मैं एक बात करना चाहूँगा कि देखें सिविल डिफेंस हमारे वो हीरोज़ हैं जो बग़ैर तनख्वाह सिर्फ मुहब्बे वतन और काम करते रहते हैं, लेकिन इनके इनको जो फेम मिलना चाहिए, जो हाइप मिलनी चाहिए कैमरा वर्क पे, सिविल डिफेंस को वो नहीं मिलती। अब जैसे हर मौके पे देखा गया कि सिविल डिफेंस के नौजवान फ्रंट लाइन पे रह के अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो इस हवाले से कोई दुख कोई आपको? मैं बिल्कुल इसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि देखें ये तो एक नौजवानों का जज्बा है जो खिदमत खल्क और जज्बा हुबुल वतनी से सरचार ये नौजवान मैदान अमल में निकलते हैं, लोगों की सलाह फलाह और उनकी मदद करते हैं, लेकिन क्योंकि अदारा ये तंजीम एक अदारे के अंडर चलती है, महकमा है हमारा, हमारे फंड्स तो हैं, गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड भी करने चाहिए, यहाँ तक पहुँचने चाहिए कि रजाकार तक उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलना ज़रूरी है, लेकिन कुछ मैं कहूँगा यह हमारी बदकिस्मती है कि अदारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या जो वॉलंटियर्स हैं उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, हमारे फंड्स हैं बाकायदा लेकिन क्योंकि अदारा है अब वो कुछ 1-2-2-2 है उस तरफ अखराजात हो जाते हैं, बल्दिया के जो फायर ब्रिगेड हैं उन पे उनके खाते में डाल के ये कह देते हैं कि वहाँ हो गए हैं, लेकिन वॉलंटियर जो है उसकी हौसला अफजाई नहीं होती। बाकी आपने एक पहले सवाल किया था कि इसके अख्तियारात क्या हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी वजाहत से बता दूँ कि जो NOC है किसी भी अदारे का, मिसाल के तौर पर बेशक पेट्रोल पम्प ही क्यों नहीं है या आपको प्रोजेक्ट है जैसे FFC है या फातिमा है, उसका NOC सिविल डिफेंस के अदारे से मिलता है, उनके पास इतनी पावर है वही इनको चेक करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ, वो एज ए अदारा काम करते हैं, हम उनके अंडर सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं, हमें गिला तो है अपने अदारे से कि ना फंड्स मिलते हैं, यूनिफॉर्म का जो मामला पेश आता है वो भी हमारे जो हेड हैं या शहर के जो और तंजीमें हैं लोग हैं वो हमारे साथ तावन करते हैं, या लड़के नौजवान जो हैं वो अपनी जेब से ये करके सारा कुछ करते हैं,
तीन चार साल से बदकिस्मती है हमारी, मैं कहूँगा कि तीन चार साल से ये फंड्स भी रुके हुए हैं, एक रुपया भी फंड नहीं मिला तारे को। अच्छा, ये बड़ी ना अफसोसनाक बात है कि हमारे ये वो हीरोज़ हैं जो हर मौके पे फ्रंट लाइन पे रह के मुल्क को अमन अमान रखने के लिए खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन इनको फंड्स के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश है वो आप लोगों के सामने है, जो ये लोग खुद से फंड्स रेज करके इस सिविल डिफेंस को चला रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों का बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, इन लोगों की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिनसे इनको फंड का सिस्टम हो। इस तमाम मुश्किल के बावजूद जी बिल्कुल हमारे नौजवान जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, और इंशाल्लाह ताला हमें तोक़ो है कि अल्लाह ताला ने हमें जो इसका आज़ाद देना है देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला हम करते आ रहे हैं, कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि किसी अदारे से हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, नहीं भी मिलता तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा सर, मेरा जो आपसे सवाल था कि इसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए जी, ये सबसे पहले बात तो ये है कि वह नौजवान के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी होना चाहिए। सही। और जज्बा खिदमत खल्क उसके अंदर होना चाहिए। इसमें ये तालीम कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जज्बा जो है वो उसको उसकी तरबियत जो है उसको वह निखार देती है। थोड़ा सा उसको जज्बा उसका आप मोटिवेट करेंगे, उसको बताएँगे तो उसका जज्बा और निखरेगा और मैदान अमल में निकलेगा। इसके लिए ये है कि जिसके पास टाइम है वो हमारे साथ अटैच होता है, हम उसकी पहले तरबियत करते हैं, उसके साथ वो हमारे साथ फिर चलता है लड़का जी। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो नौजवान पढ़ा लिखा ही हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि नौजवान पढ़ा लिखा हो, जिसको डिसिप्लिन और के मतलब भी पता हो, वो अच्छे तरीके से काम भी कर सकता हो और तरबियत भी हासिल कर सकता हो। अच्छा सर, आपके साथ बिल्कुल जिसके दिल में वतन से मोहब्बत होगी वही चलेगा। उसकी वजह यह कि ना आप कोई फंड्स देते हैं, ना आप उनको पे कर रहे हैं, ना कुछ और, तो जिसके दिल में वतन के लिए मोहब्बत होगी तो वही आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा सर, अगर आप आज के प्लेटफॉर्म पर कुछ हुकूमत के लिए पैगाम देना चाह रहे हो कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट, जैसे आपने बताया फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू या जो बाकी तंजीमें हैं, इनको हुकूमत ओन करती है, इनके लिए पूरा एक प्रॉपर बजट सिस्टम होता है, इनका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो आप भी फिर कुछ इस तरह का चाहते हैं कि आपको भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाए, एक प्रॉपर हुकूमत आपको ओन करे, हर बजट में कुछ ना कुछ हिस्सा सिविल डिफेंस के नौजवानों का होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए जी। पहली तो बात यह है कि जिस तरह ड्यूटियाँ आती हैं इनको एजाजिया मिलना चाहिए, एजाजिया। दूसरी, मैं अपने जो सीनियर्स हैं, जिस तरह मुल्तान में हमारे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं सिविल डिफेंस के, और लाहौर में पंजाब में डायरेक्टर हैं, मैं उनसे, वो भी आर्मी के एक जनरल हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो मैं उनसे, उन तक मेरी आवाज़ उम्मीद है आप पहुँचाएँगे कि जो वॉलंटियर हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनसे आप बेहतर, इससे भी ज़्यादा बेहतर काम ले सकते हैं अगर आप उनकी हौसला अफजाई करें और उनके लिए फंड्स मुहैया करें, ताकि जो उनको मसाइल आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है फिनांस की, ताकि वो हल हो सके और वो एक ज़्यादा जज्बे के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। इंशाल्लाह, मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक जाए और जो हकाम आला है वो इस पर अमल करे, क्योंकि मुहिब वतन आज कल लोगों के दिलों में मोहब्बत आपको ही पता है कि अब कितनी है, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद को कहलाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जो हमारे पास यहाँ ये असासा मौजूद है, ये जो नौजवानों की सूरत में जिन्होंने आज ड्यूटियाँ दी हैं, जो सिविल डिफेंस के साथ मुंसलिक है, तो हमें चाहिए कि इनको अपना असासा समझे, इनको अपने हीरो समझे, और इनके लिए हम जितने भी जो फंड्स हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि ये लोग और मोटिवेट हो। देखे, बगैर पैसों के ये अभी भी काम कर रहे हैं, इनको पैसों की लालच नहीं है, लेकिन एक एप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन इतना तो होना चाहिए ना कि एक आला सतह पे सिविल डिफेंस के, सिविल डिफेंस की एक पहचान हो। जब हम बाकी हीरोज़ के, पुलिस के बारे में बात करते हैं, फ़ौज के बारे में बात करते हैं, रेंजर्स के बारे में बात करते हैं, हम सिविल डिफेंस के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे हीरोज़ हैं। आज इस तरह से 190 से ज़्यादा लोगों ने बगैर, अच्छा वर्दियों का इशू आया, जिनके पास वर्दियाँ थी वो लोग आए, जिनके पास वर्दियाँ नहीं थी वो भी यहाँ मौजूद रहे, वो सिविल कपड़ों में यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते रहे। 300 से प्लस लोग यहाँ पर सिविल डिफेंस के आज मौजूद रहे हैं। तो देखे, हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, हमें इनको मोटिवेट करना चाहिए, हमसे पैसों की डिमांड नहीं करते, ये हमसे एप्रिसिएशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इन्होंने जो मुल्क के लिए ये जो खिदमात दे रहे हैं इनको एप्रिशिएट किया जाए और हकामे आला जो है इनके इस अमल को सराहे। सर बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, हम लोग दुआ करते हैं। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप सिविल डिफेंस की आवाज़ बने। सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने इन हीरोज़ को इंशाल्लाह हम लोग जो ये डिज़र्व करते हैं वहाँ तक इनको लेके जाना, मेरा मिशन ही ये है सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम और आपका रैंक? मोहम्मद सलीम मुगल, मैं एज ए ग्रुप वार्डन सिविल डिफेंस में काम कर रहा हूँ जी।
अच्छा सर, जैसे कि अब मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, सबके मुख्तलिफ रैंक्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये रैंक प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या, कैसे ये रैंक सबको मिलते हैं? देखें जी, हमारी तंजीम में एक चैन बना हुआ है, बतौर सब जो हैं वो रजाकार काम करते हैं, लेकिन डिफेंस को चलाने के लिए, इस तंजीम को चलाने के लिए रजा हमने जो है रैंक लगा रखे हैं कि पहले हमारे पास जो जवान आता है वह बतौर रजाकार काम करता है, फिर हम उस जब वो हमारे पास वो पक्का हो जाता है, देखते हैं कि वो भागने वाला नहीं है, उसके साथ जो है चंद दोस्त भी मिले हुए हैं, फिर हम उनको रैंक सेक्टर वार्डन का लगा देते हैं। जब वो सेक्टर वार्डन बस पर काम करता है, फिर उसके बाद हम उसको डिप्टी पोस्ट वार्डन पर ले जाते हैं, उसके बाद फिर नफरी ज़्यादा हो जाती है, फिर हम उसको पोस्ट वार्डन बना देते हैं। पोस्ट वार्डन के बाद हमारे पास आगे रैंक आ जाता है डिप्टी ग्रुप वार्डन का, डिप्टी ग्रुप वार्डन के बाद उसके बाद ग्रुप वार्डन आ जाता है। ग्रुप वार्डन के बाद अब मैं जैसे ग्रुप वार्डन पर काम करूँ, हमने अपने शहर को दो हिस्सों में तकसीम की हुआ है, एक लेन के दाएं तरफ, दूसरा बाएं तरफ। दाएं तरफ जाए उसकी फिर हमने तीन पोस्टें बनाई हुई हैं, तीन पोस्टें हमने फिर बाएं तरफ बनाई हैं, पोस्ट A1, A2, A3, इसी तरह दूसरे साइड पर B1, B2, B3। मेरे पास जो है वो तीन पोस्टें हैं जिनका मैं इंचार्ज हूँ, बल्कि शहर के आधे हिस्से का। ग्रुप वार्डन के बाद फिर हमारे ऊपर आ जाते हैं डिप्टी डिविजनल वार्डन साहब, वो हमारी जो है वो इंतज़ामी अमूर की वो पोस्ट आ जाती है, जिनको जिन्होंने हमारा ये इंतज़ाम चलाना होता है। उसके बाद डिविजनल वार्डन साहब होते हैं, उसके ऊपर फिर एडिशनल चीफ वार्डन, जैसे कि हमारे एडिशनल चीफ वार्डन राणा तारक महमूद खान साहब हैं, उसके बाद हमारे डिप्टी चीफ वार्डन जनाब हाफिज जाहिद साहब हैं, और हमारे चीफ वार्डन, उसके ऊपर वे चीफ वार्डन साहब जैसे हमारे चीफ शफीक पापा साहब हैं, जो कि पूरी इंतज़ाम अपने हमारे सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं। अच्छा सर, आपको सिविल डिफेंस में कितना टाइम हो गया, कितना एक्सपीरियंस है आपका? मैं तकरीबन 89 से इसमें अटैच हूँ, जब शुरू से जब ये बनी थी उसी वक्त से मैं इसके साथ अटैच हूँ, उसमें पुराने साथियों में से बानियों में से हूँ, और उनमें से हमारे सिर्फ तीन साथी जो हैं वो रह गए हैं, बाकी कुछ छोड़ गए हैं, कुछ अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे और इसी तरीके से आप जो है अवामी खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम और आपका रैंक? शहजाद अनवर, एज ए पोस्ट वार्डन काम कर रहा हूँ सिविल डिफेंस में। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब छोटा होता था ना तो सिविल डिफेंस के नौजवानों को देखता था, मुझे पता है क्या लगता था कि पता नहीं ये लोग कितना कमा रहे होंगे, पता नहीं एक एक दिन खड़े होते हैं और पता नहीं इनकी कितनी तनख्वाहें होंगी, पता नहीं हुकूमत से कितना पैसा ले रहे होंगे। आज मैं ज़रा अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ, क्या वाकई बड़े पैसे ले रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम कमाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो हम दुआओं की शेप में, नेकियों की शेप में वो हम कमाई कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी आपको वॉलंटियर नज़र आ रहे हैं ये सारे अल्लाह की रज़ा के लिए हाज़िर होते हैं यहाँ। तो कोई भी मुल्क में काम, कोई आफत हो, कोई भी मसला हो, तो उसमें जितने भी काम करते हैं ये रज़ा कराना तौर पर करते हैं, इसमें कोई हमारे कोई अजाज़िया या कोई तनख्वाह या कोई कमाई ऐसी नहीं है, लेकिन हम जिस कमाई के लिए आते हैं वो अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं, और उसमें लोगों की दुआएँ भी शामिल होती हैं। हमारी असल कमाई जो है वो यही नेकियाँ ही हैं, नेकी समझ के हम काम करते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से आपके सारे जो नौजवान हैं सुबह से लेकर अब तक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और बड़ी गर्मी थी, गर्मी की बड़ी शिद्दत थी, और फिर भी ये नौजवान वहाँ डटे रहे, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है कि काफ़ी नौजवानों की जो वर्दी थी ना बड़ी खस्ता हाल थी, तो और बहुत सारों का गिला ये था कि वो बेचारे का यहाँ पे मौजूद तो थे लेकिन सिविल कपड़ों में, तो वो कह रहे थे कि हमारा वर्दी का इशू है, हमें वर्दी अलॉट नहीं की गई, इस वजह से हम लोग यहाँ पे वर्दी के साथ नहीं हैं। तो ये वर्दी वाला क्या इशू है, मतलब कोई जो आप वर्दियाँ लेते हैं ये आप खुद से लेते हैं, हुकूमत देती है, क्या है? बेसिकली सिविल डिफेंस का जो आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ना, हम ये एक तंजीम है जो सिविल डिफेंस अदारा है, गवर्नमेंट के लेवल पे काम कर रहा है, उसके अंडर एक चलने वाली तंजीम होती है ये। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें सरपरस्ती होती है कि वो हमें हमारे यूनिफॉर्म्स और हमारे जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है। तो हुआ ये है कि पिछले चंद सालों से ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में मुल्क की बेहतरी के लिए या इन तंजीमों की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट में कोई ऐसा सोचने वाला नहीं रहा। बाकी ये यूनिफॉर्म का जो मसला है, लास्ट ईयर भी हम कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ तवज्जो हो, हमें इंतज़ामिया ये प्रोवाइड करे, उसकी तरफ से नहीं दी गई पिछले दो तीन साल से। तो हमने खुद लड़कों ने मिलकर या हमारे सीनियर्स ने मिलकर या शहर के मुखय्यर हज़रात ने मिलकर इस तंजीम को चलाने के लिए, कि शहर के लिए अच्छा काम करती है, तो उन्होंने तावन करके यूनिफॉर्म बनाए थे। अब कुछ हुआ है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई तावन नहीं हुआ, लड़के
लड़के तो माशाल्लाह जैसे जैसे जवान हो रहे हैं और लोगों में जज्बा है तो वो तो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो इसी तरह जैसे जैसे तादाद बढ़ती है तो फिर हमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ पीछे जो पुरानी होती हैं वो खस्ताहाल भी हो रही हैं, पट भी रही हैं, ज़ाया भी हो रही हैं, उनकी जगह पर भी चेंज करनी पड़ती हैं, तो इसलिए कुछ होता है मैनेज करने के लिए। हमें एक यूनिफॉर्म कास्टली बनती है, शूज़ है, बेल्ट है, पेंट है, कैप है, बैजेज़ हैं, मतलब वो तकरीबन 7-7.5 हज़ार की एक यूनिफॉर्म बनती है। तो वो बहुत से नौजवान ऐसे हैं वो अगर देखा जाए उनका रोज़गार तो इतना नहीं है, वो अपने जज्बे के लिए आते हैं, वो अपना टाइम देते हैं ना, वही उनका जज्बा है। आज के दिन किसी के पास टाइम नहीं है, तो हाँ वो आप टाइम निकाल सकते हैं, तो हमारी इंतज़ामिया को, हम दूसरों को भी चाहिए कि तावन करे, तंजीमों को चलता रहने दे, और उनके साथ तावन करेंगे तो तंजीमें चलेंगी और अपने मुल्क को, अपने कौम मुल्क की खिदमत करती रहेंगी। अब बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतज़ामिया जो है वो इस टाइम आप लोगों को भूल चुकी है। इंतज़ामिया जो एक होता है सरपरस्ते आला, जो रियासत का काम होता है कि ऐसी तंजीमें, वो तंजीमें हैं जो अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई जलसा जुलूस, कोई भी सिचुएशंस होती है, जो मौके होते हैं उनमें ये सफ़े अव्वल पे पाए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इन लोगों को मोटिवेट करें, इनकी जो बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए ताकि ये तंजीमें मज़ीद वर्क कर सकें, इनके साथ और लोग जुड़ सकें, और ये जितना ये तंजीम फैलेगी उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। हमारे यहाँ अमन व अमान की सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर हम लोग कर सकते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि ये अब इनके रज़ाकार सुबह से 300+ रज़ाकार है जो मुख्तलिफ जगह पर पोस्टिंग पर है और शहर में अमन अमान को बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे जो भी इवेंट्स वगैरह शहर में आते हैं तो ये आगे बढ़ चढ़ के उन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं और मुल्क में अमन अमान की सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी हुकूमत से यही अपील है कि इनको जितना सपोर्ट है वो करें, मोटिवेट करें, ताकि हमारे मुल्क में ऐसे ही फिर अमन, क्योंकि फ़ौज बाकी इदारे बॉर्डर पर होते हैं, ये वो है जिन्होंने शहर के अंदर अमन लेकर आना होता है। तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि मुल्क में अमन अमान बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों ने सिविल डिफेंस के नौजवानों की गुफ्तगू सुनी। ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनको हम फेम दे ही नहीं सके। हमने जो इनको एक लाइट देनी चाहिए थी, कैमरा वर्क देना चाहिए था, इन पे जिस तरह रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए थी, हमने इन हीरोज़ पे वैसे ना डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ना कैमरा वर्क किया, इनको मोटिवेट नहीं किया। देखिए, ये वो नौजवान है जो बिला किसी भी पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, इनकी ना कोई तनख्वाहें हैं हुकूमत की तरफ से, ना इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी इनके दिल में एक चीज़ है, वो है वतन के लिए मोहब्बत। और वो मोहब्बत आपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारा दिन आज गर्मी में इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ दी है। आज का दिन नहीं, बाकी जो भी मौका होता है ये सफ़े अव्वल में रह के अपनी ड्यूटी देते हैं और काम करते हैं। तो मेरी हुकूमत से सिर्फ एक ही अपील है कि इनका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, इनको क्या कहते हैं कैमरा वर्क दिया जाए, इनको जिस तरह हम हीरोज़ के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनती है इनके लिए भी वैसे डॉक्यूमेंट्रीज बने, इनको एज आ हीरो कंसीडर किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में सिविल डिफेंस जिस तरह बाकी इदारों को एज आ हीरोज़ कंसीडर किया जाता है, सिविल डिफेंस के नौजवानों की सलाहियतों को भी इसी तरह सराहा जाएगा और इनको भी हीरो के तौर पर कंसीडर किया जाएगा।